ब्रेकनंतर सर्वात मोठी बातमी पुढे येते. पद्मविभूषण श्री जगद्गुरु रामभद्राचार्य स्वर्गीय आर एन सिंह यांच्या घरी पोहोचलेत. सिंह कुटुंबियांनी रामभद्राचार्यांचे दर्शन घेतले. उत्तर भारतीय संघाचे अध्यक्ष आणि भाजपा आमदार स्वर्गीय श्री आर एन सिंह यांचे पद्मविभूषण श्री जगद्गुरु रामभद्राचार्य यांचे प्रिय शिष्य होते. त्याची आठवण या भेटीदरम्यान निघाली. धर्मचक्रवर्ती श्री चित्रकूट सिप्ताधीश्वर पद्मविभूषण श्री जगद्गुरु रामभद्राचार्यजी यांनी सिंह कुटुंबियांना आशीर्वाद दिले. या निमित्ताने रामभद्राचार्यजी यांचे सिंह परिवाराच्या मुंबईतील पवई येथील राहता घरी आगमन झाले होते. यावेळी उत्तर भारतीय संघाचे अध्यक्ष आणि भाजपा आमदार स्वर्गीय श्री आर एन सिंह यांच्या कुटुंबियांनी आणि त्यांच्या मित्रबांधवांनी पद्मविभूषण श्री जगद्गुरु रामभद्राचार्यजी यांचे दर्शन घेतले. हमने अयोध्या लिया था. अयोध्या का निर्णय मेरे बयान पर पूरे पहले पढ़ के आया करो तुम लोग. मेरा 100 पृष्ठों का बयान है वो. और हमने 440 साक्ष्य दिए थे जिसमें 437 स्पष्ट थे और 4 केवल अस्पष्ट थे. उसी वक्तव्य ने पूरी दिशा को बदल दिया था. तो जब 9 नवंबर 2019 को बयान आना था, 8 नवंबर को फिर मेरा वक्तव्य पढ़ा गया. उस वक्तव्य ने ही दिशा बदल दी. तो हम तो अल्फाबेटली चल रहे हैं. अ का म अयोध्या हमने ले लिया, काशी भी लेंगे और मथुरा भी लेंगे. हमारा सौभाग्य है, मेरे पिताजी और उनका बहुत अच्छा संबंध था और गुरुजी ने खुद आग्रह किया नहीं संतोष मैं घर आऊँगा. और वो जिस हिसाब से पप्पा के फोटो को लेके भावुक हो गए, आज हमारा दिन भर गया. और गुरुजी के आशीर्वाद से ही सब कुछ. हम बहुत आभारी हैं गुरुजी के.